हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम मैंने जा रहे हैं कचरी, तो वीडियो को देखे कि कैसे कैसे बनती है चावल वाली कचरी। मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी, तो उसके बाद फिर जो काम होते हैं सिस्टर वाले वो मुझे करने पड़ रहे हैं। आज मैं मम्मी के साथ हेल्प करने जा रहा हूँ। आज हमने बनाई है कचरी जो कि चावल की बनती है, तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो में देखें। चलो फिर चलते हैं दोस्तों, अभी बनाते हैं हम। तो दोस्तों, ये है चावल हमारे जो हमने बिल्कुल पतले कर रहे हैं, इससे आसानी से कचरी बन सकती है। देखिए आप, ये देखिए मेरी मम्मी लगी हैं अभी काम पर। अब मैंने भी मम्मी के साथ हेल्प करनी है। अब चलिए दोस्तों, मम्मी से पूछते हैं, मम्मी कैसे बनाते हैं इसे। मम्मी जी बताओ, प्रोसीजर क्या है इसका, कैसे कैसे बनाते हैं बताओ। मतलब इसे बनाते कैसे, कैसे दिखे। पहले उसको कुकर में डाल के इसमें 3-4 सीटी लगा दीजिए, फिर उसके बाद में जब 4 सीटी आ जाएगी फिर उसको उतार करके फिर उसको घोर दीजिए, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर उसको ऐसे कचरी बनाई जाए। बहुत आसानी है ये काम, बहुत कठिन है, आसानी है, ठीक है। वाह दोस्तों, मेरी मम्मी भी अब लगता है यूट्यूबर ही बनने वाली है। सही समझाया मेरी मम्मी ने, धन्यवाद मेरी मम्मी। फिर से बोला, ओके, वेलकम वेलकम। अरे शुभम। यस मम्मी, बोलो। ये तो कुछ भी किया आपने, फोन पे लग गए, कुछ तो करो, तभी तो सीखेंगे आगे के लिए। कौन से हमने सारी उम्र रहना है। नहीं नहीं, सीख तो लिया है मम्मी जी, पर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप सारी उम्र। तो बना करके खाए तो लेंगे। हाँ वो तो सही कह रहे हो आप, पर सीख लिया है मैंने। अगर बाजार से खरीदेंगे, ऐसे करना है यार, ऐसे डाल देना, तो उसमें दुनिया मर गया तो पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं केमिकल। यस मम्मी, इससे तो ये ठीक है जो अपने हाथ से बना के खा सकते हैं, बस मेहनत है थोड़ी सी। लो लो लो, ओके मम्मी जी, धन्यवाद आपका। मैंने कितनी सारी कचरी बनाई, ये देखिएगा कचरियाँ ही कचरियाँ। इसे तेल पर भून के इसके बाद जो स्वाद आता है वो किसी चीज़ में नहीं आता, चाय के साथ वाह मजा ही मजा है इसका। फोन पे लग गए। ये देखो फाइनली कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये हमारा स्पेस इतना बच गया है, जबकि हमने एक डब्बा बनाया था,